आज मैं पालक की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका इस्तेमाल करने से आपके बाल, पेट की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब ठीक हो जाएंगी, आंखों की जितनी भी समस्याएं हैं, चश्मा बहुत जल्दी उतर जाएगा और गाल हो जाएंगे टमाटर जैसे लाल और बाल हो जाएंगे घने घने और काले काले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पालक लिया है और इसको मैंने 3-4 बार वॉश कर लिया है अच्छे से साफ पानी से। और मिक्सी के जार में पालक को आपको काट लेना है, रफली चॉप करना है आपको, इसको महीन महीन नहीं काटना है। तो पालक के फायदों के बारे में तो जान ही लिया आपने, और इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है। ये हमारे लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाती हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाती हैं, और सीधी भाषा में कहें कि खून को बढ़ाती है। अगर आपको एनीमिक है तो आप डेली इस तरीके से जो बना रही हूँ मैं इस रेसिपी को डेली ट्राई करिए। और मैंने यहाँ पर 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे छीलने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इसी तरीके से डाल दीजिए जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ। बस इसको बारीक बारीक काट लीजिए और जो मैंने पालक डाला है इसको अच्छे से अंदर तक दबा दीजिए। और इसमें मैंने 1/4 कप पानी लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इसका भी 1/2 पानी डाल रही हूँ अभी। और मैं ये तो बताना भूल ही गई आपको कि मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ। हाँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसका पेस्ट। और इसके ढक्कन को हमने लगा लिया है, चलिए अब चलते हैं मिक्सी की तरफ। और मिक्सी में इस जार को फिट कर देना है, और ये देखिए मैंने लगा दिया है और मैंने मिक्सी को चलाया, देख सकते हैं आप बिल्कुल भी पालक नहीं हिली, बस थोड़ा सा उर्र से आवाज आई और बंद हो गया। अब जो पानी बचा हुआ था ना वो पानी भी इसी में डाल देना है। अब फिर से चला लेते हैं मिक्सी को, और ये देखिए इस बार ये पेस्ट बनने लगा है, और ये देखिए सारा पेस्ट अच्छे से बन गया है। बिल्कुल एकदम महीन पीस लेना है इसको, जितना महीन हो सकता है उतना महीन इसका पेस्ट बना लीजिए आप। और देख लेते हैं कैसा पिसकर रेडी हुआ है ये, और ये देखिए बिल्कुल महीन चटनी बन गई है, ये बिल्कुल महीन चटनी बन गई। और मैंने इसमें अदरक के अलावा कुछ भी नहीं डाला है, अदरक से क्या होगा ये थोड़ी सी गर्माहट आएगी क्योंकि पालक ठंडी होती है। और मैंने यहाँ पर ये सॉस पैन ले लिया है, आप कोई भी भगोना भगोना कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये मलमल का जो कपड़ा आता है ना, पनीर निकालने वाला कपड़ा लिया है, और उस पर ये जो पेस्ट बनाया ना इसको डाल देना है, और इस पेस्ट को छान लेना है, और इसको कपड़े से ही छानना है, इसको छलनी से बिल्कुल भी मत छानिएगा, फिर आपको पीने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप छान कर पियेंगे तो आपको पीने में बहुत आनंद आएगा, और इसके बेनिफिट्स तो आप जान ही चुके हैं। और इसका अच्छे से जूस निकाल लीजिए, यानी कि समझ गए ना मैंने क्या बनाया, मैंने यहाँ पर बनाया पालक का जूस। इस तरीके से आप घर पर पालक का जूस पी सकते हैं, और इस समय मार्केट में पालक बहुत अवेलेबल है, बहुत अच्छी मात्रा में, और अच्छी पालक आ रही है। और जो पालक के जूस में से ये जो रेशे बच गए ना इनको हटा देना, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बचा है। आप अगर पराठे में भी डालेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसको फेंक ही दीजिए, या चाहे तो आप अपने गमले में डाल लीजिए। और इसमें 1/2 नींबू का जूस डाल देना है। जब भी आप पालक का जूस या मेथी का जूस, कोई भी जूस बना रहे हो, इसमें आप नींबू जरूर ऐड करिए, क्योंकि यहाँ पर नींबू डालने से इसके न्यूट्रिएंट्स और बढ़ जाते हैं। और इसके साथ ही ले रही हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक, आपको थोड़ा कम लगे आप बढ़ा लीजिए, और इसके साथ ही थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दीजिए। गर्म मसाला नहीं खाना पसंद करते आप थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च ले सकते हैं, और इसको अच्छे से मिला लीजिए। और ये बनकर रेडी हो गया है, और ये देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना है ये, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया, और ये मैंने 250 ग्राम पालक में सिर्फ 1/2 ही ग्लास जूस निकला है, आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें पानी बहुत कम यूज़ किया है। अब पानी यूज़ करेंगे तो फिर जूस का फायदा ही क्या है। आप इस तरीके से घर में बनाइए प्योर पालक का जूस। और इसको पीना कैसे है, इसको सुबह सुबह खाली पेट पीजिए चाय पीने से पहले। और मेरी आज की वीडियो पालक का जूस की रेसिपी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।